जय हिंद छात्रों, आप सभी लोगों का धन्य सराय टीम में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए आपका जो एससीबीटी का जो एग्जाम होना है उसका जो टाइम टेबल हमारे पास आ चुका है। चलिए हम पढ़ लेते हैं टाइम टेबल, किस किस दिनांक को होना है और सभी जो टाइम टेबल वो आप पर आ चुके हैं। वो कौन सा टाइम टेबल यहाँ पर आया, कौन सा यहाँ पर नहीं आया, अभी तक हम पूरी वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए, नए आए तो आप लोग कुछ निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। अभी जो एग्जाम होना है एसबीटी का, जिन बच्चों का 2020 में एग्जाम नहीं हुआ था, 19 में नहीं हुआ था, ठीक है, उन बजे जो सप्लीमेंट्री वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम नहीं हुआ था एसबीटी का, तो उनका जो टाइम टेबल यहाँ पर जारी कर दिया गया है। उनका जो टाइम जो एग्जाम होना है तो वो आपका मई में आपका पूरा कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर जो एसीबीटी का टाइम टेबल देखिए, पहला रहेगा आपका प्रैक्टिकल का टाइम टेबल, यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो स्टेट ने यहाँ पर जारी कर दिया, यहाँ पर देखिए आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका 23 मई को यहाँ पर होने वाला है, ठीक है ना। 9 सुबह 9 बजे से आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और सभी ट्रेडों का लाएगा इसमें, जो भी ट्रेड हैं, जो भी सभी ट्रेड रहेंगे, चाहे इलेक्ट्रीशियन सॉफ्टवेयर हो, चाहे कोबा हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे एमएमबी हो, चाहे आपका वेल्डर हो, ठीक है, सभी ट्रेडों का लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले जो 23 तारीख को होनी है इसमें कौन कौन से ट्रेड शामिल होंगे वो यहाँ पर देख लो। तो जो आपका 23 तारीख को होना है इसमें जो ट्रेड प्रैक्टिकल रहेगा होगा ट्रेड का, तो इसमें आपका एक्सपर्ट डेटिक स्टर्न आपका हो जाएगा शामिल, आपका स्टर्न इंग्लिश हो जाएगा और आपका सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल ये रहेगा इसमें, ठीक है। लेकिन फिर जो 24 तारीख को आपका होना है, 24 मई को, इसमें कौन कौन सी ट्रेड होंगी, तो इसमें ये भी आपका सेकेंड माना जाएगा। इसमें स्टर्न को छोड़कर बाकी जो ट्रेड होती है उन सभी का यहाँ पर प्रैक्टिकल यहाँ पर होने वाला है। अच्छा, जो आपके एडमिट कार्ड है वो कब आ जाएंगे, यदि आपको 24 को होना है तो आपके 20 आपको 20-22 तक आपको जो एडमिट कार्ड है वो आपको ITI से जाकर, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट ITI से जाकर आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो उनको ID पे आप जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रैक्टिकल वाला। अब देख लेते हैं आपका ईडी प्रैक्टिकल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं आपका, यहाँ पे ये जाएगा ईडी वाला, ठीक है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला प्रैक्टिकल यहाँ पर होना, टाइम टेबल उसका जारी हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, 25 से 5 होगा आपका 10 बजे से यहाँ पे, ठीक है, आपका 1 ईयर और 2 ईयर इंजन ट्रेड वालों का, ठीक है ना, जिनका 1 ईयर है 2 ईयर है उनके में इंजन ड्रॉइंग है, ठीक है, उनका यहाँ पर होने वाला है। दूसरा लिया जाएगा आपका 25 तारीख को ही 2:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा सेकेंड शिफ्ट में, और ये भी आपका 2 ईयर वालों के लिए यहाँ पर होने वाला, ठीक है ना, ये ओनली रहेगा 2 ईयर वालों के लिए। तो जो बच्चे फर्स्ट में फर्स्ट ईयर 2 ईयर यानी मान लो जिनका वेल्डर हुआ या जिनका इलेक्ट्रीशियन हो, तो उनका यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, तो ये उनके लिए हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा यहाँ पर ये एक और निकलता है स्टर्नो वाला, जो स्टर्नो के आवेदक रहेंगे उनके लिए यहाँ पे आ चुका है, उनके लिए 26 तारीख उनका पहला हो जाएगा 9 बजे से, ठीक है, फर्स्ट ईयर वाला रहेगा स्टर्नो के लिए रहेगा, जिसमें उनको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश स्टर्नो को सीख लेने में क्या आपको प्रैक्टिकल आपका हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल रहेगा ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड का, ठीक है, जॉब्स। फिर नेक्स्ट रहेगा 26/5 को ही आपको होने वाला है 2 बजे से, ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा उनको, तो इसमें आपको उनको जो डिक्टेशन होती है 80 वर्ड परमिट वो यहाँ पर टाइप करनी होगी। फिर नेक्स्ट रहेगा 27 तारीख को, ठीक है, 9 बजे से, इसमें उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो डिक्टेशन रहेगी वो 100 वर्ड परमिट यहाँ पर लिखना पड़ेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट रहेगा 27 को 2 बजे से रहेगा, और इसमें सेकेंड सेमेस्टर के रहेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के रहने वाले हैं इसमें, जिसमें इनको 100 ही आपका इंग्लिश में रहेगी, 100 वर्ड परमानेंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये उनका होने वाला है स्टेन वालों का। तो स्टेन वाले जो अभी दे रहे हैं वो यहाँ पर देख लें कि आप लोगों का जो प्रैक्टिकल आपका होना है तो वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब ये कुछ आवेदकों के मन में ये सवाल होगा कि सर जो हमारा सीबीटी एग्जाम है जो कंप्यूटर बेस्ड होना है, ऑब्जेक्ट होना है, वो कब होगा। उस संबंध में जैसे ही कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको तुरंत जानकारी देंगे वीडियो के माध्यम से। और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पल पल आपके मोबाइल में मिलती रहे। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स।